हेलो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज कॉन्वर्सेशंस विथ योर चाइल्ड्स क्लास टीचर। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बट दे आर गेटिंग फील कि वहाँ जाके टीचर से मैं कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ। क्वेश्चंस बहुत है लेकिन बात करने का तरीका नहीं आता है, इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है, तो हम उसके रिलेटेड हम थोड़ी बात करेंगे। अभी सबसे पहला आप टॉपिक देखो कि आप कहीं भी जाओगे तो यू हैव टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, राइट, और पॉलिश योर लैंग्वेज शुड बी पॉलिश। आप बहुत अच्छी तरह वहाँ जाके बोलना है, कहीं भी जाओ, टीचर के पास जाओ या विथ एनीबडी, राइट। तो आपकी लैंग्वेज के अंदर प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू आना जरूरी है। सो डोंट फॉरगेट द यूज ऑफ प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। अभी मोस्ट प्रोबेबली सबको पता ही होता है, एवरीबडी इज नोइंग कि प्लीज का यूज कहाँ होता है, सॉरी का कहाँ होता है और थैंक यू का कहाँ होता है। सो हो सके इतना उसका यूज़ करके आपकी लैंग्वेज को थोड़ी पॉलिश करने का ट्राई करना। सेकेंड टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ग्रीट द टीचर विथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मोस्टली सब टीचर्स गुड मॉर्निंग में ही मिलती है, तो ज़्यादातर हमको गुड मॉर्निंग बोलना ही रहता है। तो जब भी मॉर्निंग में अगर मिलने जाते हो तो गुड मॉर्निंग बोलो। अगर आफ्टरनून स्कूल है और अगर आप आफ्टरनून में मिलने गए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम वी हैव टू एडजस्ट। टीचर जो टाइम देंगी उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ मिलने के लिए जाना है। तो अगर आफ्टरनून है तो आपको गुड आफ्टरनून बोलना है, और इवनिंग तो मोस्टली नहीं होता है, बट बाय चांस अगर आप फ़ोन पे कुछ पूछ रहे हो, राइट, कुछ इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपको सबसे पहले गुड इवनिंग मैडम करके ही आपकी टॉक स्टार्ट होनी चाहिए, राइट। हाँ, 7 बजा है तो ऐसा मत सोचना कि गुड नाइट बोलना है, गुड इवनिंग ही बोलना है। बट जैसे आपने फ़ोन टॉक ख़त्म की तो गुड नाइट करके आपको ये ख़त्म करना है। थर्ड टॉपिक इज डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग फेस एट द टाइम ऑफ मीटिंग। आपको मेंटली घर से तैयार होके जाना पड़ता है कि वहाँ जाके टीचर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसको ये बोल दूँगी, वो बोल दूँगी, वो सब तो नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले विथ स्माइल आपको उनको ग्रीट करना है। और आपकी जो स्माइल है तो टीचर को भी कूल बना देगी, उसको भी आपके साथ टॉक करने के लिए मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। तो विथ अ स्माइलिंग फेस यू हैव टू से गुड मॉर्निंग मैडम। और अगर आपको वो बैठने के लिए बोलना भूल जाए तो मैं आई सिट हियर, ऐसा आप पूछ के बैठ सकते हो। थर्ड टॉपिक है, योर ड्रेसिंग शुड बी परफेक्ट। मोस्टली मदर बहुत दौड़धाम में रहती है, इसीलिए कभी कभी जो ड्रेस पहना है वो पहन के चली जाओ, जो साड़ी पहनी हो पहन के चली जाओ, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू बी रेडी प्रॉपर वे। हाँ, मैरिज जैसी साड़ी तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपका जो ड्रेसिंग है नॉर्मल होना चाहिए, सिंपल एंड एलिगेंट। तो वहाँ जाने के बाद सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल एंड परफेक्ट लेडी, बिकॉज योर लैंग्वेज शुड बी सॉफ्ट, योर ड्रेसिंग शुड बी परफेक्ट, and with a smiling face you get an entry, तो teacher के ऊपर आपकी एक impression अच्छी पड़ेगी। तो आपकी hair combing style भी बराबर होनी चाहिए, dressing बराबर होना चाहिए, everything should be comfortable, proper, okay। तो वो भी एक आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी fifth है, don't forget to switch off your cell phone। कभी कभी क्या होता है, वहाँ जाने के बाद आपका फ़ोन, सेल फोन तो सबका ही चालू होता है और सब साथ में ही रखते हैं, और कभी कभी टीचर के साथ टॉक करते करते आपके एक दो बार फ़ोन बज गया,
तो एक डिस्टरबेंस बीच में आ जाएगा, राइट। आपकी जो टॉक है ना उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया, इससे बेटर के पहले आप स्विच ऑफ करके एंट्री लो, तो आपके फ़ोन कॉल किसी के आएंगे ही नहीं। तो ये डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ योर सेल फोन। देन सिक्स्थ इज, इफ़ योर चाइल्ड इज़ विथ यू, प्रिपेयर हीज और हर विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। मोस्टली टीचर को मिलने के लिए चाइल्ड के साथ जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली वहाँ सेटल होने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि टीचर भी है और मम्मा भी है, मतलब एक शेल्टर है, एक से थोड़ा डर लगता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या करूँ। तो बेटर है कि आप उसको घर पे छोड़ के साओ, अगर पॉसिबिलिटी है तो, नहीं है अगर आप साथ में ले जाते हो तो उसको थोड़ा लेसन देना ज़रूरी है कि आपको वहाँ से उठना नहीं है, इधर उधर टच नहीं करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, राइट, कुछ डिमांड नहीं करनी है, राइट, और टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना है, टीचर को गुड बाय बोलना है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको डिसिप्लिन के साथ प्रिपेयर करके जाओगे तो आपकी जो मीटिंग है ना वो बहुत प्रॉपर वे से आगे बढ़ेगी और अच्छी तरह होगी। देन सेवन्थ इज, डोंट स्पीक एनी रफ वर्ड्स फॉर द टीचर और फॉर योर चाइल्ड और एनीबॉडी। कभी कभी क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं टीचर के पास कि टीचर होमवर्क चेक नहीं करती है, टीचर होमवर्क देती नहीं है, टीचर मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रखती है, ऐसा बहुत सारा होता है। बट यू आर नॉट नोइंग द सिचुएशन ऑफ द स्कूल क्लास एंड टीचर, राइट, और हम खाली हमारे बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं तो क्या होता है कि हम गुस्से में जाते हैं कि टीचर आप तो कुछ करवाते ही नहीं। तो ऐसा वहाँ जाओगे और वैसे वर्ड से आप मीटिंग स्टार्ट करोगे तो वो मीटिंग सक्सेस होने वाली नहीं है, और सेकेंडली आप एक इम्प्रेशन वहाँ, गलत इम्प्रेशन छोड़ के आ रहे हो। तो टीचर को आपके बच्चे के साथ, आपके साथ जो है वही रिलेशन वो बच्चे के साथ रखना चालू कर देगी। तो बेटर है फॉर योर चाइल्ड यू हैव टू बी प्रॉपर देयर, डोंट यूज़ एनी रफ वर्ड फॉर टीचर और एनीबॉडी, ओके। और कभी कभी बच्चे के सामने भी मदर उसके लिए कुछ इधर उधर बोल देती है, लाइक उसको कुछ आता नहीं है, खुलता रहता है, सबको मारता है, उठता नहीं, मतलब बहुत सारे कंप्लेंट बच्चे के लिए होती है। तो वो भी है कि आपको बच्चे को भी समझना पड़ेगा, और किसी के सामने, टीचर मेनली टीचर के सामने उसकी बुराई करोगे तो बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, मतलब डाउन हो जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी मत करना। एंड द 8th पॉइंट इज, बिफोर एंटरिंग इन द रूम डोंट फॉरगेट टू टेक अ परमिशन ऑफ टीचर। कभी कभी क्या होता है, हाँ मीटिंग है तो फट करके जैसे ही अंदर चले जाते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ परमिशन ऑफ द टीचर। टीचर विल बी बिजी एट दैट टाइम ऑल्सो, बट स्टिल ये एक परमिशन इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक फॉर एंटरिंग इन द क्लास रूम, ओके। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो टेक केयर अबाउट इट दिस थिंग। नाउ वी विल गो अहेड। अभी पेरेंट्स बैठते हैं, मदर्स बैठती है और टीचर के साथ बात करती है, तो टीचर के साथ बात करने से पहले आपको आपकी इंट्रोडक्शन देनी है, यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन बिकॉज सो मैनी पेरेंट्स आर कमिंग, बट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड दे कम टू नो कि शी इज़ द मदर ऑफ सो एंड सो, बट यू हैव टू टेल योर नेम टू योर टीचर, टू योर चाइल्ड्स टीचर। तो पेरेंट्स क्या बोलेगा, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम दीपालीज मदर, आपको इंट्रोडक्शन है, हेलो भी बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, और आपको आपकी इंट्रोडक्शन देना है। टीचर ऑल्सो आंसर देगी, गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। टीचर भी उतनी ही पोलाइट रहेगी आपके साथ और आपको बैठने के लिए परमिशन दे देंगे। देन पेरेंट्स, हाउ माय चाइल्ड इज़ डूइंग इन द क्लास। हर मदर को होता है कि वो क्लास में क्या करता है, और वो घर पे अलग है, क्लास में अलग है, तो क्लास की एक्टिविटी जानने के लिए जनरली मदर जाती है। एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ माई चाइल्ड। उनको क्लास की एक्टिविटी भी जाननी होती है और उनका प्रोग्रेस भी जानना होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस सेंटेंसेस, हाउ माई चाइल्ड इज डूइंग इन द क्लास।
एंड एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो द प्रोग्रेस ऑफ माई चाइल्ड. सो आपको ये लैंग्वेज यूज करके थोड़ा आगे बढ़ना है. टीचर आंसर देंगे, सी इज गुड बट वेरी स्लो इन राइटिंग एंड एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, सी इज गुड इन अदर सब्जेक्ट्स. टीचर का कहना है, टीचर को भी बहुत पोलाइट रहना पड़ेगा. टीचर को भी बच्चे की नेगेटिविटी खाली नहीं बतानी, टीचर को पहले बच्चे के बारे में गुड थिंग्स बता देनी है. तो वो टीचर बता रही है कि शी इज़ गुड, वो बहुत अच्छी है, बट उसका राइटिंग वेरी स्लो है. शी इज़ गुड बट वेरी स्लो इन राइटिंग एंड एक्सेप्ट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के अलावा शी इज़ गुड इन अदर सब्जेक्ट्स. ऑल सब्जेक्ट्स है वो इंटरेस्ट लेती है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है और उसमें वो थोड़ी स्लो हो जाती है. तो टीचर ये लैंग्वेज यूज़ करेगी. फिर पेरेंट्स का टर्न आता है तो बोलते हैं, यस मैडम आई नो इट, यस मैडम आई नो इट, बट हाउ शुड आई हैव टू हेल्प हर फॉर गुड प्रोग्रेस. मदर का फोकस वही है कि उसका प्रोग्रेस अच्छा हो जाए, तो उसके पास टिप्स मांग रही है कि मैं कैसे उनको डेवलप करूं. एंड आई एम ऑल्सो क्वाइट वर्ड अबाउट हर स्टडी एंड ही विल श्योरली फोकस ऑन हर एंड वी विल श्योरली फोकस ऑन हर स्पीड ऑफ राइटिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट. मैडम ये मदर्स ये इसके बारे में बच्चे के बारे में बता रही है, श्योरिटी दे रही है कि मैं उसके पीछे मेहनत ज़रूर करूँगी, लेकिन आप मुझे थोड़ी गाइडलाइन देना. मैडम आई हैव मोर रिक्वेस्ट प्लीज. अगर आपको रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलना है तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई हैव मोर रिक्वेस्ट प्लीज. अभी आप इससे आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है तो और इसके बारे में, किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, फूड के बारे में कि स्कूल में वो खाती है कि नहीं, स्कूल में हैंड वॉश करती है कि नहीं, वाटर लेती है कि नहीं, फ्रेंड्स के साथ मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ टीचर. एंड बिफोर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन इन इंग्लिश. एंड आप वहाँ जाके आपको वो राइट डाउन जो किया है वो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपके माइंड में वो टॉपिक्स भी रहेगा और थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको याद रहेगा. तो टीचर बोलती है, यस प्लीज लेट मी नो अबाउट इट. टीचर भी पोलाइट है, उसको बोला यहाँ आपका जो रिक्वेस्ट है मुझे बता दो, लेट मी नो अबाउट इट. पेरेंट्स, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कैन आई कम टू यू फॉर गेटिंग हर मंथली प्रोग्रेस. अभी वही टॉपिक है कि आज के तो टीचर ने बता दिया उसके बारे में, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ इसका प्रोग्रेस क्या है फिर से मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्रेस आगे होना ही चाहिए. सो वहाँ वो स्टक नहीं हो गया है और वो आगे बढ़ रहा है, आगे प्रोग्रेसिव हो रही है, बच्चे उसकी डेवलपमेंट हो रही है. सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूछना है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, नॉट नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ कैन आई कम टू यू फॉर गेटिंग हर मंथली प्रोग्रेस, राइट? तो ये आपको पूछने के लिए कैन में यूज़ कर सकते हैं. ओके टीचर, यस श्योर मिसेस देसाई, बट वन डे बिफोर जस्ट इन्फॉर्म मी. और ये दैट इज़ अ रिक्वेस्ट कि कभी हाँ बोलते हैं तो मदर कभी भी चली जाती है, बट बिफोर गोइंग यू हैव टू टेक प्रॉपर डे एंड प्रॉपर टाइम, राइट? सो टीचर को आपको फ़ोन करके उसका डेट और मतलब डेट और टाइम पूछ लेना है. पेरेंट्स ने जवाब दिया है, ओके मैडम नाउ वन मोर क्वेश्चन प्लीज. फिर भी अभी भी मदर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि सो मैनी क्वेश्चंस आर अराउंड हर माइंड. ओके सो टीचर बोल रही है, श्योर मिसेस देसाई. पेरेंट्स, मैडम हाउ इज़ आर परफॉर्मेंस इन अनदर एक्टिविटी लाइक ड्राॅइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, etc. अभी हमको स्टडी के बारे में तो बहुत सारा पता हुआ, लेकिन एक्टिविटीज़ भी बहुत है और वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के प्रोग्रेस के लिए. तो मदर को ये से पूछना है, हाउ इज़ आर प्रोग्रेस इन अनदर एक्टिविटी, राइट? टीचर जवाब दी, ओ शी इज़ गुड एट एवरी एक्टिविटी बट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्केटिंग.
अभी सब चीज सब बच्चे को अच्छी लगे इतना जरूरी नहीं है, और स्कूलों में सब एक्टिविटी के लिए थोड़ा एनहांस किया जाता है, थोड़ा सपोर्ट किया जाता है, थोड़ा एनकरेज किया जाता है, तो सब कुछ करवाते हैं। तो वो बता रही है कि सब में बहुत इंटरेस्टेड है लेकिन स्केटिंग उसको अच्छा नहीं लगता है। पेरेंट्स प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस फॉर डेवलपिंग हर प्रोग्रेस। पेरेंट्स का भी टर्न आया है तो बोल रही है कि मुझे प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस, आपको बच्चे को डेवलप करना है, उसका प्रोग्रेस बढ़ाना है, तो प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स, राइट। तो वैसे करके आपको एक क्वेश्चन टीचर के सामने रखना है। अभी टीचर क्या बोलेगी, यू शुड लुक आफ्टर हर पर्सनली, स्टार्ट टू सॉल्व हर स्टडी प्रॉब्लम्स एंड गिव हर एनकरेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस। टीचर की टिप्स बहुत सुंदर है कि आपको उसके बारे में लुक आफ्टर करना है, वो क्या करती है, कैसे करती है, कहाँ जाती है, कैसे खाती है, मतलब उनके पूरे एटीट्यूड से आपको उनके माइंड में क्या चलता है, यू कैन मेक इट आउट। और उसका जो प्रॉब्लम है, स्टडी जो प्रॉब्लम है और अदर प्रॉब्लम है, आपको उसके साथ मिल के समझ के सॉल्व करना है, और वो प्रॉब्लम आपको एनहांस करके आगे नहीं बढ़ाना है, उनको सेटल करने के लिए उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देना है, एनकरेजमेंट करना है कि कुछ नहीं है, आई विल हेल्प यू, गो अहेड। तो उनको वैसे करने से आपके बच्चे जल्दी आगे बढ़ेंगे। टीचर योर पर्सनल अटेंशन विल हेल्प हर गिव हर डेली राइटिंग प्रैक्टिस। और टीचर का मानना है कि स्कूल इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, खाली स्कूल से काम नहीं होता है, मदर को पर्सनली ध्यान देना जरूरी है, और वो वीक है राइटिंग में तो उसको वो प्रैक्टिस डेली आप करवाओ। यू शुड टॉक टू हर सब्जेक्ट टीचर्स ऑल्सो आफ्टर प्री प्राइमरी इन अ प्राइमरी स्कूल देर आर डिफरेंट टीचर्स, सो यू हैव टू टॉक विथ ऑल द टीचर्स, ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स। पेरेंट्स यस मैडम, आई श्योरली पे पर्सनल अटेंशन एंड ट्राई टू इम्प्रूव हर प्रोग्रेस। मैडम थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग सम टिप्स फॉर माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस, रियली यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। ओके, आपको उनको प्रेज भी करना है, थैंक्स भी कहना है, बिकॉज उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छी तरह बहुत कामली बात किया है और आपको थोड़ा बहुत टिप्स भी दिया है, तो आपको उनको थैंक्स कहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप टीचर को मिलने के लिए जाओ, तभी आपके क्वेश्चंस एक पेपर में लिख लो एंड ट्राई टू स्पीक ऑल द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, राइट। तो वहाँ जाके आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। शुरू में हम पूरे सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं, तो कभी कभी एक दो इंग्लिश एक हिंदी सेंटेंस ऐसे करते करते आप ऑटोमेटिकली टोटल इंग्लिश पे चले जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।